गल तेरे बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दी हमदो सनात बादरू ला महदूद वजूद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दा प्रोग्राम जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा मुनक्कर दे इसाले सवाब ले। असा सारे ने अल्लाह पाक दा कलाम पढ़ के ओदे नबी ते दरूद व सलाम पढ़ के खालक कायनात की बारगाह च दुआ करनी है, इल्तजा करनी है, सदा करनी है कि अल्लाह अपने महबूब का सदका ते महबूब की पाक औलाद का सदका मरहूमा की बख्शिश फरमा के उन्हें जन्नत चाला ठिकाना था। आमीन। तो ए ना रस्म है ते ना रिवाज है, क्योंकि हर बंदा ये समझता है इलम रखता है कि आज असी जो इकट्ठे हुए हैं साडा मकसद सारे का एक ही है कि असी रब को मरहूमा की बख्शिश मंगना है। बेशक बेशक। सानू पता है यकीन कामल है, पढ़े का भी ईमान है, अनपढ़ का भी ईमान है, देने वाला साडा अल्लाह है, मांगने असी अल्लाह को। हां फर्क है, कुछ लोग डायरेक्ट मांगते ने, असी वसीले नाल मांगने। सुभान अल्लाह। वसीले नाल क्यों मांगने आ कि साडी इतनी मकबूलियत नहीं, असी उहदे कुलब वालिआं दा सहारा ले। बेशक। ओनू कोई शिरक या बिदअत आके उहदी मर्जी, मगर मांगते असी अल्लाह को। बेशक। अल्लाह ने नेक बंदिआं दा सहारा वसीला ते उहदे नबी दा वसीला। दुनिया ते भी इहो ही निजाम है, जदों तुसी जांदे हो किसे बंदे नूं मिलना चाहुंदे हो, अपना तल्लक उहदा हिसाब लांदे हो, कहिंदे हो मेरा तल्लक उहदे नाल एडा गहरा नहीं, क्यों ना होवे उहदे गहरे तल्लक वाला बंदा फंडवा ते उहदे कोल लै जावां ते उहदे नाल मेरी भी गल बण जावे। सुभान अल्लाह। वो गहरे तलक वाला जो जाता है तो वह रिजल्ट भी मिलता, वो कहता बई गल और तू बंदा ही एक दा ले आंदा ही। वाह अल्लाह अल्लाह क्या बात। गल छड़नी मेरी ते असी जी दा सदका मंगने आ, उस महबूब ने ते फरमाया कल कयामत दा दिहाड़ा होवेगा होर किसे नू ए इजाजत नहीं होवेगी, मुहम्मद नू उधर भी इजाजत होवेगी, सजदे पावांगा। खातर जो आया सामो भी ए हो सी हूं भी ए हो मेरी उम्मत की बख्शिश। सुभान अल्लाह क्या बात। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त और अजीज को किसी ने क्या खूब कहा, वो समां कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। वाह सुभान अल्लाह। अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत आपकी सारी उम्मत बरी है। ईमानदारी नाल दसो असी ते उहदा वसीला पा के मांगने आ जिन्हों उदन भी अल्लाह ने राजी कर। बेशक। उस दिन भी उसका जिस जिदे वास्ते सोने रब ने फरमाया वाला सब फयू जी का रबू का फतर दा। सुभान अल्लाह। कमाल वाला नबी, शाना वाला नबी, उस नबी का सदका अल्लाह सानू इजाजत दे दीती है कि मर गया रजिस्टर ते बंद कर दिता है, ठप कर दिता है, जो बंदे की रूह निकलती है इधर फरिश्ता इधर फरिश्ता ये रजिस्टर ठपते ने सोने रब की बारगाह च जमा करवाते ने, अल्लाह वो बंदा फौत हो गया हूँ साड़ी की ड्यूटी है
असि की करना है। अल्लाह फरमांदा है तुसी हुन, क्योंकि जेड़ा बंदा भी फौत हुंदा है उसके फरिश्ते दूसरे बंदे नाल ड्यूटी नहीं करते, बंदे दे फौत होने तो क्यामत तक भी फार गए। जेड़ा नवा बच्चा आता है उसके मुआफ़िज़ फरिश्ते लिखण वाले सारे जितनी पूरी टीम नवी आती है, जो फरिश्ते फारग होंगे रजिस्टर तेरे मेरे सारी जनाब सारा रोज नाम चा कट्ठा किया कट्ठा करके अल्लाह की जिंदगी का है जो इन्हें किया जो बीजिया जो वंडिया सब कुछ अंदर पाते अल्लाह फरमाता जमा कर दो। असं हम की करिए, अल्लाह फरमाता तस्बीह मेरी पढ़ो ते बख्शिश सारी जिंदगी के करो। सुभान अल्लाह, जे उन्हें बख्शना नहीं तो फिर फरिश्तियां की ड्यूटी पे लाता है। फरमाया जी ने नाल तुसा दुनिया की ड्यूटी की, अल्लाह की ईमान वाला सी ईमान वाला सी खतावा हो गलतियां हो अल्लाह हो फरमाया तुसी इबादत मेरी करते रहना ते मेरे कोलो मांगते हो दे नहीं रहना। सुभान अल्लाह, पता चलिया माई साहबा ने हुक्म बड़े सिद्धे हुक्म सन नमाज पढ़ी रोजे रखी अज करी जकात दई कुछ हो कुछ नहीं हो ईमान ओदा पक्का सी अल्लाह तू कल्ला है वादा उला शरीक है मुहम्मद तेरा रसूल है रोजे लाजम ने नमाज लाजम है सारे रुकन अरकान लाजम ने अल्लाह मैं मान लिया मेरे कोलो गफलत हुई गफलत की उन्हें माफी नहीं दी। सुभान अल्लाह, इनकार कुफर है, ईमान सी हजूर फरमाते जेड़ा ईमान लेके आया मेरा होके मरिया ओदा मैं मुकदमा लड़ना। अल्लाह करीम ने फरमाया उधर ही मंगते रहना असि उस माई साहबा ने मंगना है फिर वो मेहरबान है जिसे को मंगना है मर्जी मनसा सी ठीक कम करता रहा फिर कदा हुई सोचा गलती हो गई है उन्हें फिर हाथ चुकी अल्लाह पहली बारी माफ किया फिर उखड़ गया फिर गलती होगी माफ करी हदीस कुदसी अल्लाह फरमांदा है असानू फिर माफ किया दूसरी दो बारी उन्हें माफी मंग ली हूँ तीजी बारी फिर खता हुई फिर माफी मंगी अल्लाह तीजी बारी भी माफ किया चौथी बारी खता फिर हो गई हूँ माफी नहीं मंगता बंदा भी तो बंदे को भी चक जाता ना चार बारी को यार है कम नहीं करा तो मैं छड़ता रहा हूं जाके उन्हें आख्या तो उन्हें आखना भाई अगे इन्नी बारी तू वादा करके गया फिर तू आ गया तेरा काम ही हो अस तो कह दें ना जरूर कहे असी जो तीजी वरी आया तीजी वरी आया साडा हौसला नहीं कि असं फिर आखिए चल कोई नहीं यार चल कोई नहीं यार असं जरूर कहे तू तो इन्नी वरी अगे जान छुड़ा गया तो तेरा काम एवं आ जाना काम फिर कर लेना लेकिन तीन बारी माफी मंगी तिने बारी माफी मिली चौथी बारी गुनाह तो हो गया पर माफी आपे नहीं मंगता उतो फरिश्ता आया ना क्या बंदा खुदा एक गुना आया माफी मंगी दूजा तीजा लेकिन चौथी बारी माफी नहीं मंगता उन्हें क्या डर गया है कि झाड़ ही ना पा दे जबारे कहारे डर गया खौफ ज्यादा हो गया फरिश्ता वापस अल्लाह की बार कट गया हदीस कुर्सी है या अल्लाह तेरा बंदा डर गया दो बारी तीन बारी माफी मंगी हो फिर खता हो गई माफी नहीं सुनता आंदा है की पता वो आखे भी तेरा ते काम ही है अगो जवाब आया सोने रब वालों फरमाया बंदा ही मायूस हो गया मैं कदू आखे रहना सुभान अल्लाह क्या बात पता चलिया सी मंगरो दे कोलो आया जिदे कोलो जिन्ना बहुता मंगिए उन्ना राजी हुंदा सुभान अल्लाह ओ खुदा ते खुदा है मुस्तफा दी कचहरी दे अंदर हदीस पाक के एक बंदा आया आका मैनू खुद दियो फरमाया मंग अखे बकरी दे दियो फरमाया जा चलिया ऐसी बारगाह च सवाल कीता ही मंगी फिर बकरी जो आपे ही फरमाया उन्हें होर मंग ले अखे चलो तू सवारी भी दे दियो फरमाया फिर भी नहीं ख्याल आया तू भी उस मूसा दी बुढ़िया नालों भी निकम्मा ही निकलिया मूसा की बुढ़िया कौन सी थी पता सी यूसुफ दा कबर किथे आ मूसा इस्लाम ने फरमाया मंग की उन्हें क्या जन्नत तेरा गुआन चाहिए सुभान अल्लाह पता चलिया मुस्तफा की कचहरी हो गई फिर भी तिल ला के मंग सुभान अल्लाह कचहरी खुदा की हो गई फिर भी तिल ला के मंग
थोड़ा जा मां बाप की मैत का हिस्सा पड़िया अल्लाह कुरान फरमाता महबूबा मेरे बंदे तेरे को आके पुछने दौलत कितने खर्च करिए जेड़ी रब दिती है कितने खर्च करिए पता चलिया खुश नसीब होने जो मशवरा नबी नाल करदे ने वाह सुभान अल्लाह मशवरा नबी नाल करदे ने दौलत नु कितने लाइए किधर किधर शुरू करिए खुश नसीब ने हो सब तो बेहतरीन जगह खर्च करने वाली मैं अल्लाह दसना जी दौलत रब दी पिछे शुरू करिए खर्च करनी फरमा सब तो बेहतर सब तो आला सब तो चंगा मकाम के जिन्ने मानू रवाया अल्लाह का गजब पूछन जाता है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिता है इन्हां नूं दुख ना देनी इन्हां नूं अज़ियत ना देनी अल्लाह जे वीर उच्ची बोले फरमाया बेहतर उच्ची ते किसे ना भी बोल जे दिल करदे ते वीर नाल बोल लै गुआंढी नाल बोल लै होर किसे नाल बोल लै अल्लाह जे अब्बा उच्ची बोले मां उच्ची बोले चिड़का देवे कुरान फरमाया तेरे नाल जो भी करे उफे वाला तन हर हुआ तू उच्चा ना बोली अम्मा गोचा ना बोली अपने गोचा ना बोली अखे जे एक सूरवार भी हो फरमाया जे तो मैं कैद जू ला दीती है बोलना ही नहीं बोलना ही नहीं आखिया जिन्ने मानू रवाया उन्हें अरश हलाया जिन्ने मानू पंजा लख रुपया तू मल के
अजे भी है ना अबे ने कुछ नहीं दिता वो अजे अबे नू तू कुछ नहीं कमा के दिता उन्हें तो अपनी कमाई जो तुम इन्हें ने दे भी छे ने अजे तू ओनू जो कमा के देगा तो लोगों को वेखना है तो मेरे दोस्त और अजीज और मेरे नबी ने मां बाप की बड़ी शान बयान की थी पहली मामा ने हजूर नबी करीम अली सलातो वसलाम मां का मोहब्बत दे प्यार एक दिन फातिमा तो ज़हरा के घर गए बस ये आखिरी बात सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा अखर जथरू ने फरमाया बेटी की गल है फरमाया कि सवेर के ना हसन ते हुसैन दोनों गैर ने मेरा पेशीदा आ गया है ते मैं 70 बूहे के ना बैठी हूँ किन्ने चक्कर है 70 बात नहीं सी ना निकलना पर किसी की गलती से मगर आपने पिछले कमरे चो अपने दरवाजे तक की चीज भी चो देखा कि आगे पया हो गया ये जो दोनों दिन तक इस तरह कोई नहीं लेंदा इस तरह कोई नहीं लेंदा दा दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा मावा जदों मर जांदियां कौन मंगदा ई मगरों दुआ मावा जदों मर जांदियां मूसा करीम उल्ला अलैह सलातो वसलाम करों टुरदे ने पहाड़ दूर दे जाके उत्ते कदम रखते चढ़ जाते जदों पहाड़ ते चढ़ जाते अल्लाह नाल गल्लां शुरू हो जांदियां हम कलाम हुंदे वापस आ जाते वक्त गुजरदा गया एक दिन मूसा करीम उल्ला दी वारदादा भी विसाल होया दफन कीता दफन करके जिस वेले फर्ज हो के कीता फिर अल्लाह को जावा नाले दुखड़ा सुनावा नाले गल्लां करा अज पहाड़ दूर ते नबी भी कदम रखन लग गए उधरों सोने रब फरमाया करीमुल्ला अज तेरा पैर संभल के नबी का अमल तो उम्मत नहीं होना ऐ मेरे प्यारे नबी कदम संभल के रखी अल्लाह मैं कोई आज पहली बार नहीं आया मैं कल भी आया परसों भी आया महीने लंघ गए कदी नहीं हो आखिया आज क्यों हुक्म की तई पैर संभल के रखी आज ते पैर संभल के रखी फरमाया प्यारे मूसा अगे जदों घरों टुरदा सै दरवाजा खुलदा सी तू इधर नू टुरदा सै पिछों मां मेरी बारगाह च हाथ चुक के बह जांदी सी आंदी सी अल्लाह इहदा सफर आसान करी इहदियां सफर दियां तकलीफां दूर करी अल्लाह मेरे बेटे मूसा दी जांदियां वी खरीयत मेरे आंदियां वी खरीयत ए गल अज तक दी मां नू वी नहीं ओ भुली ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖੈਰ ਪੁੱਤਰਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਐਂਜੀ ਏ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ एक दे दो बन जान कदे पीर साहब को जाना है मां के पैर फड़ के वेख क्योंकि ओदे दिल चो निकल गई है सुभान अल्लाह मैं मंगनी एक से और मंगनी दे रहे कोई पता नहीं की हाल है पर मां नु बगैर लालच तो तेरे नाल प्यार है अल्लाह अल्लाह
सुलेमान का हजरत दाऊद अलैहि सलाम का दरबार है, एक मुकदमा आ गया शॉर्टकट। दो औरतां ने वो खोज खलोतियां सन, दोवां कोल बैठे ने, बारिश रखी एक दरख्त के थले खलोतियां, भेड़िया आया दौड़ता जी त्रगड़ी सी उनका बच्चा खो के ला गया। सफी ने मुंह च मौलाना अहमद शफी काट गई उनकी लिखी किताब जब हाला मौजूद है, वो जो वी तगड़ी का खो के ला गया ना ये जुलम जाती है उदू दी, उन्हें दूजी का खो लिया। उन्हें आख्या तो मेरा, उन्हें आख्या भली लोग तेरा वो लै गया मेरा। यह मुकदमा हजरत दाऊद की कचहरी अलैहिस्सलाम की कचहरी पहुंच गया। अजय केस चलता सी ते सदके जावा नबी ते छोटे भी नबी। हजरत सुलेमान खेड़ते खेड़ते दरबार चाह बने, जिस वे मुकदमा सुनया बीबिया खड़ोतिया वेखिया ते आंगन ने अबा जी जे इजाजत देवो ते फैसला मैं ना सुना। सुभान अल्लाह, फैसला मैं कर दिया। फरमाया बेटा तू कर दे, अबा जी तलवार मंगाओ। तलवार आ गई, बीबिया सामने खिलार, बीबिया सामने खिलार दिता, बच्चा मैं दे दिया। बच्चा सुलेमान के हाथ में, बच्चे पुठा पकड़ लिया इंज करके लटका के तलवार इंज की। अबा जी गल लिया झगड़े च की पैना, अद्धा ओनू दे देने अद्धा ओनू दे देने। जो इन्हें गल की जिदा जमया सी उन्हें आख्या खुदा का ना ही ना तलवार चलाई इन्हें, जो इन गल देखी उन्हें आख्या इनू दे दो। आख्या अबा जी जी तड़प के बोल उठी है ओदा ही, जी नहीं नखे च पई ओदा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह मावा दे दिल नरम गुलाब, कदो करन कबूल जुदाई कर दे मन कुर्बान खजाने, कर लैन कबूल कदाई पुत्रों दे सर ऐब छुपावन, कदे न सुन बुराई मां बाप नाराज करे जड़ा बंदा ते ओदी थां। आमीन।